चक्कर जी, पुराना पुल ये जी इस तरफ और ये उस तरफ, वो बिल्कुल यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह इस तरफ से पहले नीचे आती थी ऊपर से करके, ये कच्ची रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है रोड, यहाँ से आके पुल के ऊपर से होके जी और फिर इस तरह से नीचे निकल के और फिर ये नीचे से ऊपर आती थी इस पहाड़ के साथ साथ ऊपर आके ये इस तरफ जाके इस रोड के साथ मिलती थी ऊपर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, हाजिर हो जी एक नई वीडियो के साथ। और चेक करें जी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं जी दान गली और ये हदूद है जी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की, और पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस तरफ जी दान गली का ब्रिज। चेक करें ये जी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को जी आपस में मिलाता है, और मेरे सामने वाली साइड पे जी जो एरिया है जी ये आज़ाद कश्मीर में आता है, और पीछे जी पुल के उस साइड पर जो एरिया है सारा वो पाकिस्तान में आता है, यानी वो तहसील कलर सेना का एरिया है सारा, और ये जी मीरपुर की एरिया आता है सारा जी, तहसील मीरपुर है और डडयाल वाली साइड है सारी जी इस तरफ। चेक करें जी ऊंचे पहाड़, पथरीले पहाड़ यहाँ पर। चेक करें जो ही आप लोग जी इंटर होते हैं पाकिस्तान वाली साइड से जी आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, आप लोगों को जी पुल के साथ ही आगे जी बिल बोर्ड वगैरह नज़र आते हैं सारे, तो ये सारे जी बिल बोर्ड आगे जो दुकानों के लगे हुए जी दुकानें सारी जी आगे मीरपुर और डडयाल वाली साइड पर हैं जी। चेक करें इस तरफ, अभी कुछ दिन पहले जी, कुछ दिन पहले बल्कि महीना पहले मैं आया था जी इस तरफ, जो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था जी, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था, और अभी चेक करें जी सारा गंदला पानी जी आ चुका है यहाँ पर, ये ऊपर आप लोगों को जी लेयर नज़र आ रही होगी जी सारा, ये कचरा है जी सारा और पानी सारा ब्राउन हुआ है जी, सारी मिट्टी वगैरह ऊपर से आई है ग्लेशियर पिघलने से भी और कुछ बारिशों की वजह से भी। और इस जगह के पहले भी कई बार वीडियोज़ में आप लोगों को दिखा चुका हूँ जी, चेक करें इस तरफ ये ब्राउन पानी है जी और इस तरफ ये पीछे जी आप लोगों को शायद डिफरेंस नज़र आ रहा होगा जी, पीछे पानी सारा ग्रीन पानी है जी, इसमें गंदला वगैरह कुछ नहीं है, और इसी तरह का सीन जी इस तरफ भी है। चेक करें इस तरफ से आप लोगों को दिखाता हूँ जी, पहले दान गली व्यू पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है जी, इंशाल्लाह रोड जिस टाइम बन जाएगी तो बड़ा डेवलप हो जाएगा जी ये एरिया। चेक करें जी इस तरफ आप लोग नज़र आ रहा होगा दोनों पानी आपस में यहाँ पर मिल रहे हैं जी, एक तो ये ब्राउन गंदला सा पानी जो है और ऊपर से ये ग्रीन कलर का जी बड़ा साफ शफाफ पानी इस तरफ से आ रहा है जी। चेक करें जी यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, और ये सारा दरिया का एरिया जी इस तरफ पहाड़ों के अंदर सारा पानी जाता है इस तरफ से गुजर रहा है, ये दरिया झेलम है जी सारा यहाँ से गुजर रहा है जी, ये चेक करें। और अभी इस तरफ सफ़र करने वाली वाम जी रोड की वजह से जी ज़्यादातर रोड जो है वो मंदरा वाली साइड जो है वो रूट इस्तेमाल करती है डडयाल वाली साइड पर जाने के लिए, ये रूट चलता है जी, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट भी इस तरफ से चलती है डडयाल के लिए कलर सेडा ता रावलपिंडी के लिए इस तरफ से चलती है, लेकिन अभी रोड की हालत जी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ासतौर पर दानगली गांव से लेकर आगे शहागे चेक पोस्ट जी यहाँ तक, वहाँ तक रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उससे आगे रोड जी फेज़ वन शुरू हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो वो सरसोबा शाह से आगे तो वो तो बहुत बेहतर है जी, तो इंशाल्लाह ये भी रोड उम्मीद है जी बेहतर होगी, लेकिन फिलहाल ही यहाँ पर कोई काम वगैरह तो नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को वक्तन पर वक्तन अपडेट करता आ रहा हूँ इस तरफ से, अभी उस तरफ से आप लोगों को जी व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ा खूबसूरत एरिया है जी, और इस वक्त जी गर्मी अच्छी खासी है। ये चक्कर जी इस तरफ कलर सेदा यहाँ से जी 24 किलोमीटर, रबार 44 और रावलपिंडी यहाँ से जी 51 किलोमीटर दूर है जी आगे, और इस तरफ जी ये इस तरफ जाएँ जी कोटली 74 किलोमीटर, पलाक 30 किलोमीटर और डडयाल यहाँ से जी 20 किलोमीटर जी, बिल्कुल हम लोग ब्रिज के साथ आ गए जी, ब्रिज के ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं जी व्यू। ये चक्कर इस तरह जी बिल बोर्ड वगैरह काफी ज्यादा लगे हुए हैं जी, सारी दुकानें डडयाल में जी, ये बिल्कुल सामने अभी सामने वाले पहाड़ जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं जी पाकिस्तान में आते हैं, और पीछे से हम लोग जी आज़ाद कश्मीर वाली साइड से आ रहे हैं जी। ये चक्कर जी ऊपर से मैंने आप लोगों को दिखाया जी गंदला पानी और ये ग्रीन पानी इस तरफ जी चक्कर ये व्यू। पानी का लेवल जी अभी पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर आता है जी, चक्कर यहाँ तक आता है जी ऊपर, तो अभी बारिशें वगैरह जी अभी आगे बताई हुई हैं, तो पानी का लेवल यहाँ से ऊपर आएगा, मछली वगैरह का शिकार यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा होता है। चेक करें इस तरफ जी ये व्यू, ये चेक करें जी ये पुराना पुल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी यहाँ से, ये पुराना रस्सों का पुल बना हुआ था जी लकड़ी का पुल,
तो ये संभाल लेते जी, एक हेरिटेज साइट हो जाती तो बहुत बेहतर होता। बिल्कुल इसकी जी हालत ख़राब हो चुकी है, रस्सी वगैरह टूट चुकी हैं, सारी पानी के अंदर चली गई हैं। और कुछ टाइम यहाँ पर ऐसा भी आता है जिस टाइम ये रस्सियाँ नीचे से भी नज़र आती हैं जी, पानी का लेवल इतना नीचे चला जाता है। सामने वाले साइड में वही सीन है जी, उस तरफ पानी सारा जी ग्रीन पानी है और इस तरफ सारा गंदला सा जी ब्राउन कलर का पानी आ रहा है, मिट्टी वगैरह साथ साथ बहती हुई आ रही है ऊपर से। पिकनिक पॉइंट इंशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा जी जिस टाइम रोड कंप्लीट होगी। और वैसे भी यहाँ पर जी कश्ती वगैरह की सवारी होती है, बाकी होटल वगैरह जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जी हैं मछली वगैरह के। चेक कर जी पुराना पुल ये जी इस तरफ और ये उस तरफ हो, बिल्कुल यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह इस तरफ से पहले नीचे आती थी ऊपर से करके, ये कच्ची रोड बिल्कुल ख़राब हो चुकी है रोड, यहाँ से आके पुल के ऊपर से होके जी और फिर इस तरह से नीचे निकल के और फिर ये नीचे से ऊपर आती थी इस पहाड़ के साथ साथ ऊपर आके जी इस तरफ जाके इस रोड के साथ मिलती थी ऊपर। तो अभी बीच में यहाँ पर पुल बना दिया गया जी, डान गली का जी ब्रिज, बाबे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जी इसका इफ्तिताह किया गया था 2008-09 शायद, मुझे अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसका, कहीं पर लिखा हो तो आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी जी अभी धूप तो अच्छी खासी है, गर्मी भी लग रही है जी अच्छी, वैसे मौसम यहाँ पर जी बेहतर होता है, शाम के टाइम हल्की ठंडी हवा चलती है जी यहाँ पर, क्योंकि पानी वगैरह साइड ऊपर जी दरिया का पानी है। तो ये जी अभी हम लोग पाकिस्तान के रूट में दाखिल हो रहे हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं जी ट्रैफिक अच्छी खासी यहाँ पर होती है। और ये चेक करें जी बिल्कुल पुल के करीब से जी रोड की अच्छी खासी खराब हालत है यहाँ से, चेक करें बिल्कुल दो पहाड़ काट के बीच में रोड यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ से ऊपर से आप लोगों को दरिया का व्यू नजर आएगा जी बड़ा जबरदस्त। ये होटल वगैरह बने हुए जी मछली फ्राई के यहाँ पर, यहाँ से तहसील कलर सीधा शुरू होती है। ये चक्कर सबसे खराब हालत रोड की यहाँ से शुरू होती है जी, और ऊपर से जाके आप लोग दरिया का व्यू दिखाते हैं, ये रोड चेक करें जी यहाँ से, चेक करें जी पानी सारा यहाँ से गुजरता है और पानी के साथ ही रोड भी बिल्कुल बह चुकी है जी। तो खैर जी ये थी आज की वीडियो, दरिया का जो व्यू पॉइंट आप लोगों को दिखाया। तो खैर जी वीडियो करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग जी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हो। लास्ट में अगर आप लोग जी मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर फॉलो कर ले। तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।